हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं जीबीएस के होने के बाद जो रेजिडुअल्स रह जाते हैं, आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो होता क्या है कि जब हमारे को जीबीएस होती है तो हमारी जो बॉडी है बहुत कमज़ोर हो जाती है उस बीमारी के सामने। और ओवर टाइम क्या होता है, वो बीमारी जब हमारे शरीर के अंदर एंटर होती है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा डैमेज क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से जब बीमारी हमारा जब इलाज हो जाता है, IVIG के इंजेक्शन लग जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से थकान, कमज़ोरी, पेन या मसल क्रैम्प्स, ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे को रहती है। तो हमारे को क्या करना है कि जो ये प्रोसेस हुआ है, जो हमारी बॉडी इतनी वीक हो चुकी है इस बीमारी के अगेंस्ट, जो लड़ नहीं पा रही है, उस प्रोसेस को हमारे को अपने फेवर में करना है और इस प्रोसेस को रिवर्स करना है। उसके लिए हमारे को तीन चीज़ें करनी पड़ेगी। पहला, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। दूसरा, फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी। और तीसरा, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। क्योंकि हमारे को ये समझना पड़ेगा कि जब ऐसी कोई बीमारी बड़ी शरीर के अंदर आती है ना, तो बॉडी के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज आ जाती है और जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो डाइट से पूरी कर ही नहीं सकते। इसलिए आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी ऐड करने पड़ेंगे। अब होता क्या है कि जब हम ये तीनों चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करने लगेंगे, कि डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, फिजियोथेरेपी भी कर रहे हैं और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, तो हम बॉडी को क्या करेंगे, मैक्सिमम सपोर्ट देंगे। जब बॉडी को मैक्सिमम सपोर्ट देंगे तो होगा क्या कि बॉडी ओवर टाइम धीरे 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 पावरफुल होने लगेगी। उसके बाद क्या होगा, जब बॉडी के अंदर पावर आएगी तो क्या होगा कि बॉडी ना ही सिर्फ डिजीज से लड़ पाएगी, बल्कि एक टाइम पर बॉडी खुद इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो ना ही सिर्फ डिजीज से लड़ पाएगी, बल्कि डिजीज़ को शरीर से बाहर भी निकाल देगी। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनको यही सलाह मिलती है कि आप डाइट लो, एक्सरसाइज करो और ओवर टाइम आप ठीक हो जाओगे। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स उसमें मिसिंग होता है, जिसकी वजह से बॉडी को मैक्सिमम सपोर्ट नहीं मिल पाता और जो बॉडी लड़ने की जो ताकत है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती, जिससे बॉडी लड़ नहीं पाती और जो रेजिडुअल्स है वो रेजिडुअल्स ही रह जाते हैं। और पेशेंट को ये लगता है कि ओवर टाइम ही अपने आप चले जाएंगे, लेकिन अपने आप वो नहीं जाएंगे, बल्कि अपने आप वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो हमारे को बस क्या करना है, अब जो बैटल हम इतने सालों से हार रहे हैं इस बीमारी से, हमारे को उस बैटल को अपने फेवर में करना है। वो कैसे करेंगे, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, डाइट एंड एक्सरसाइज। जब ये तीनों चीज़ें हम डेली बेसिस पे करेंगे तो हम जो डेली बैटल हम रेगुलर बेसिस पे उस बीमारी से हार रहे हैं ना, अब वो हम रेगुलर बेसिस पे जीतने लग जाएंगे। और ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months, 1 year और 1.5 year हम इतना ज़्यादा हमारी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो बीमारी से ना ही सिर्फ लड़ पाएगी, बल्कि उस बीमारी को शरीर से बाहर भी निकाल देगी और जितने भी रेजिडुअल्स हैं वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे और मैक्सिमम रिकवरी एक पेशेंट की जीबीएस से हो सकती है। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हो। आज आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय।